And yes, moving ahead, let me invite Mr. Manish Daga, the Cotton Guru, Joe. 5-point mantra to improve productivity and quality of India pe baat karne wale hain, quality of Indian cotton ke baare mein baat karne wale hain. And yes, iske baad panel discussion hone wala hai, jahan pe aap sab question answers bhi le sakte hain. To sabhi se request hai, small request, please baithe rahiye. Silent your mobile phones, and if you want to talk, I request we can exit the conference hall and talk. Yes, thank you so much. Hello. ये एक ऐसा सेशन होने वाला है 5-7 मिनट का, जिसमें सवाल मैं पूछूंगा और जवाब आप देंगे. सॉल्यूशन हम यहाँ से लिए बिना जाएंगे नहीं, ये पक्का है. लेकिन जो सॉल्यूशन लाएंगे इन 5-10 मिनट में लाना है, ये हम दोनों के लिए एक चैलेंज है, अगर आपका साथ रहे तो. तो सबसे पहले अकोला में जो जर्नी शुरू हुई थी उसके बारे में सिर्फ 30-35 सेकंड में बताने की कोशिश करूंगा. 10 साल पहले जो कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई थी उसमें फार्मर सुसाइड्स के मैटर पे डिस्कस हुआ था, तो मैं भी वहाँ एक ऐसा स्पीकर आया था अकोला में, और मैंने जो देखा कि जो जो बातें हो रही थी वो सिर्फ एक क्लिनिकल एनालिसिस हो रही थी कि फार्मर सुसाइड इसलिए करता है, आत्महत्या इसलिए करता है कि वो जुआ खेलता है, उसे दहेज देना पड़ता है, उसको बुरी आदतें लग गई हैं, बहुत पैसा कमा लिया तो बहुत दारू पीता है और उसकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई, जो जब नहीं संभल पाती तो वो आत्महत्या कर लेता है. अब मैं भी एक किसान फैमिली से हूँ, 400 साल से हमारी फैमिली भी कपास की खेती करती है. मैं दिखता नहीं हूँ क्योंकि मेरा जन्म मुंबई में हुआ है, लेकिन गांव से टच है. लेकिन इस बात को सुनने के बाद मैंने थोड़ा आत्ममंथन किया कि क्या ये हकीकत है. तो पहले मैंने जाके अपने ग्रैंड मदर से पूछा कि कैसा था पहले कपास का माहौल, तो उन्होंने बोला कि कपास के किसान के घर में जब भी शादी की बात होती थी, सिर्फ बात बाहर निकालने की बात थी कि शादी करनी है, न तभी मोबाइल थे, न तभी इंटरनेट थे, न तभी और कुछ मैटर था, इमीडिएटली 2-3-4 महीनों में वो शादी तय हो जाती थी. क्यों? कपास का किसान है, घर में पैसा तो होगा ही. तो 7000 साल का लिखित इतिहास बताता है कि कपास भारत का सबसे एस्टैब्लिश और प्रूवन कैश क्रॉप रहा है. अब इतने साल के इतिहास को हम जुटला तो नहीं सकते हैं. जो हम सफ़ेद सोना बोलते हैं, महाराष्ट्र में पांडर सोना बोलते हैं, शेतकरी को बलि राजा बोलते हैं, ये बातें ऐसे ही नहीं आई. पर ऐसा क्या हुआ 60-70-100 सालों में कि यही बातें अब हमारे लिए एक बहुत सपना या मिथ बन के रह गए कि ऐसा भी कभी होता होगा? कपास का किसान और समृद्धि, ये दो चीज़ का कोई समन्वय है? तो बस इसी की जर्नी अकोला से शुरू हुई और फिर मुंबई में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू एक प्रोजेक्ट मिला कि जहाँ जहाँ सुसाइड हुई है वहाँ आप जाइए, उन गाँव में जाइए, उन फार्मर्स को मिलिए. और ये जर्नी कॉटन गुरु के हिसाब से और ऑल इंडिया कॉटन एफपीओ एसोसिएशन के तरफ से अकोला से शुरू हुई थी, तो अकोला और अकोला वासियों का और ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करना चाहूँगा. तो आत्मनिर्भर कृषि, आत्मनिर्भर देश बनाने की बातें तो बहुत हो रही है और अच्छी बातें हैं, पर कृषि को आत्मनिर्भर नहीं करेंगे तब तक ना अपनी GDP डबल डिजिट में जाएगी, ना अपनी इकोनॉमी $5 trillion पहुँच पाएगी, ये बात तो तय है. तो ये है भारत का प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन का चार्ट. कोई नई बात नहीं है, नई बात सिर्फ फर्स्ट और लास्ट कॉलम को आपको देखना है. सर्कल किया हुआ है 2009 का क्रॉप, सर्कल किया हुआ है 2021-22 का क्रॉप. अभी आप चैलेंज करेंगे 307 लाख गांठ नहीं था, 320 लाख गांठ था, 312 लाख गांठ था, 330 लाख गांठ था, हो सकता है. लेकिन 2009 में जहाँ हम खड़े थे वहीं अगर 2023 में खड़े हैं 20% लैंड बढ़ाने के बाद, तो क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? ये एक सवाल है जिसका जवाब अगर आप देंगे तो बहुत अच्छी बात है. ये पहला सवाल अपने मन में सोच के रखिए कि क्या हो रहा है. ये है रिलेशन बिटवीन पॉलिसी, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन. डॉक्टर माही ने बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई
जिसके लिए जिसके बाद बहुत स्पीड से बढ़ गया था प्रोडक्शन. तो ये आप देखेंगे हाइब्रिड 4 आया 70-71 में, उसके बाद एक वेग मिला. फिर 88-89 में न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट आई, न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट 88-89 में आई थी. उसके बाद बीटी टेक्नोलॉजी आई 2002-2003 में, उसके बाद स्पीड देखी. ये स्पीड रही 2009 तक, जहाँ तक वो मैंने आपको चार्ट पहले बताया. उसके बाद का चार्ट नेक्स्ट चार्ट है. प्रोडक्टिविटी देखिए 510 से लेकर 445, आज हम 450 kg प्रति हेक्टर के नीचे चल रहे हैं, जबकि वर्ल्ड एवरेज 750 के ऊपर है. तो ये बातें भी सोचने वाली है, क्यों हो रहा है, क्या आप सबको पता है, क्या आप सबके लाइफ से इसका कोई लेना देना नहीं है. अगर 400 लाख गांठ होगी या 350 लाख गांठ हो रही थी, तो क्या अपने को ब्रोकरिंग के लिए ज़्यादा कपास अवेलेबल नहीं था, जिनिंग के लिए ज़्यादा कपास अवेलेबल नहीं था, स्पिनिंग के लिए ज़्यादा कपास अवेलेबल नहीं था? क्यों आज धंधा इतना कम हो रहा है, क्यों मिलों को आज नहीं पटवर रहा है, क्यों जिनिंग प्रेसिंग सिर्फ एक तेजी मंदी का धंधा बन के रह गया है? आप सिर्फ जॉब वर्क बन के रह जाओगे अगर इसमें कुछ मंथन नहीं हुआ तो. क्या करना चाहिए? अब कोई मुझे प्लीज गाइड करिए कि क्या करना चाहिए. कोई भी एक जन सर, क्या करना चाहिए आपको पूछ रहा हूं. कोई भी जवाब दे सकता है, फर्स्ट बेंच या लास्ट बेंच का कोई भेदभाव नहीं है. जी प्लीज, ये अपनी बातें हो रही हैं, हमारा फ्यूचर यहाँ तय हो रहा है. अकोला इतना इंपॉर्टेंट मंच है, 10 साल पहले एक रूपरेखा आपने बनाई थी, इसको आगे लेके जाना है. गवर्नमेंट पॉलिसीज बदलनी चाहिए, नया बीज लाना चाहिए. जी हेलो, इम्प्रूव्ड कॉटन लाना चाहिए जिससे प्रोडक्शन बढ़ सके. बहुत अच्छा, पॉलिसी में कुछ बदलाव होने चाहिए, नया बीज आना चाहिए. अच्छा सुझाव, बहुत अच्छा सुझाव. और कोई एक एक दो सुझाव से फॉलो लूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे. कोई भी स्टेज पे से भी जो बोल चुके हैं वो ठीक है, पर जो नहीं बोल चुके हैं वो भी अपना सुझाव दे सकते हैं प्लीज. अभी ऑनरेबल गड़ाक साहब ने जो कहा कि प्रोडक्टिविटी कम है महाराष्ट्र में, उसकी रीज़न ये है, उस रीज़न के अलावा मेरे पास जो जानकारी वो ये है कि महाराष्ट्र में 30% फार्म ओनर्स, लैंड ओनर्स आर नॉट कल्टिवेटिंग दी कॉटन देयर सेल्स, दे आर गिविंग ऑन द रेंटल बेसिस टू द लेबर्स, एंड एट इन दिस जंक्चर द लेबर्स आर नॉट कैपेबल टू मेक एनी एक्सपेंसेस ऑफ दिस इंसेक्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स. ऑन दी अदर हैंड द लैंड ओनर हैज नो कंसर्न अबाउट इट बिकॉज ही हैज गिवन ऑन दी rental basis for 1 year. You will surprise, the whole hall will surprise, a land costing 10 lakhs rupees is being given on 10,000 rupees per year. That is a drawback of lower productivity in my opinion. Thank you. तो क्या करना चाहिए? इनका ये सुझाव है कि जो लैंड ओनर्स है वो जो दूसरे को अपना लैंड डेवलप करने को देते हैं, उनको खुद इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए. फिर से एक अच्छा सुझाव. अब दूसरा सवाल, करेगा कौन? Who will do it? एक सुझाव ऑलरेडी आ गया है कि पॉलिसी मेकर्स सरकार को कुछ करना चाहिए. और कोई सुझाव? किसी को तो करना पड़ेगा. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, बहुत अच्छा सुझाव है कि मिलजुल कर क्या हम इसको कर सकते हैं. मिलजुल कर सरकार बन सकती है तो हम एक प्रोजेक्ट तो कर ही सकते हैं. अच्छा सुझाव, बहुत अच्छा सुझाव डॉक्टर माही, थैंक यू. और कोई सुझाव? स्टेक होल्डर्स से भी सुझाव चाहिए. आप लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक भाग है ब्रोकिंग करना, जिनिंग प्रेसिंग करना, स्पिनिंग करना, कपड़ा बना के बेचना. क्या कर सकते हैं जो हम इस स्थिति में आज हैं उस पर सुधार करने के लिए? और कौन करेगा? सवाल यह है कि करेगा कौन? सर आप में से कोई एक जन, तीनों मारा थी बैठे हैं लास्ट 3 सीट पे, नहीं क्या?
यस जी बताता हूँ, बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, पर ये इन महाराथी के मुंह से आ जाए तो कमिंग फ्रॉम हॉर्सेस माउथ हो जाएगा। थैंक यू मनीष जी। जी मुझे लगता है जी, मतलब ये एक ऐसा एरिया है, सभी स्पीकर्स ने बोला है कि इंडिया के अंदर जो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट है दैट इज द बिगेस्ट एरिया ऑफ कंसर्न फॉर द होल वैल्यू चेन, टेक्सटाइल वैल्यू चेन। तो आपने कहा अभी कौन करेगा, मेरे हिसाब से कोई एक पार्टनर या वो उसकी वो नहीं है, इसको सभी वैल्यू चेन पार्टनर्स को ज्वाइन करने पड़ेंगे, हैंड्स ज्वाइन करने पड़ेंगे, तभी ये कोलैबोरेटिव अप्रोच होगी, तभी प्रोबेबली इसमें वी कैन मूव फॉरवर्ड। राइट, थैंक यू। थैंक यू। तो रंजन जी का कहना है सबका साथ सबका विकास। तो गोपाल जी कुछ कहेंगे? हेलो मनीष भैया, एक ये कह ले फिर आप। ये ऐसा टॉपिक है कि सिर्फ कॉन्फ्रेंस में हम बात करते हैं और घर जाके सब भूल जाते हैं। अभी जैसे हमारे साइंटिस्ट साहब ने अभी इनके बताया, इन्होंने इंग्लिश में बोला तब मेरे बिट्टू भैया और राजकुमार जी को बोला कि सर इनको बोले कि थोड़ा हिंदी में बोले ताकि सभी को समझ आए। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम सिर्फ ऐसे एसी ऑफिस में बैठ करके सिर्फ हम डिस्कशन कर लेते हैं, इनिशियल लेवल पर कोई भी इसको इम्प्लीमेंट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। हम सिर्फ एक दूसरे की पॉकेट के ऊपर देखते हैं कि फार्मर से हमको 25 रुपए कपास कैसे कम मिले, स्पिनर को होना है कि इसको 500 रुपए कैसे सस्ती रुई मिले और उसको जो प्रोडक्शन है उसको लग रहा है कि मुझे 10 रुपए धागा कैसा नीचे मिले। तो जैसे अभी सर ने बताया कि इसको सभी को मिलजुल करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम वर्ल्ड में सेकेंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर होने के बाद में आज हम सिर्फ अदर कंट्रीज के ऊपर डिपेंड्स है हमारे प्राइजेस को लेकर के। हम हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए, हमारी क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करें, ये कब होगा, जब हम एक दूसरे का साथ दें, ना कि एक दूसरे की पॉकेट को देख करके हम हमारी कास्ट कटिंग करने के लिए सोचें। हम अभी क्राफ्ट के अंदर देखेंगे तो गुजरात की रुई को हम पहले प्रीमियम देते थे, फिर अब विदर्भ को देने लगे। अगर पैरामीटर सब बराबर है तो हम उसकी जब प्राइस सब सेम रखते हैं तो MSP भी निकालती है गवर्नमेंट, तो स्टेट वाइज नहीं निकालती, वो क्वालिटी वाइज हमेशा ऐसे निकाल लेती है। तो मैं इन शॉर्ट बस इतना ही बोलना चाहूँगा इसमें, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करें तो कि ये सब साथ करने के लिए हम सबको जीनर्स, स्पिनर्स, एक्सपोर्टर्स, गवर्नमेंट्स के सपोर्ट के साथ में लोकल पॉलिटिशियंस को जो भी हमें सपोर्ट लेकर के फार्मर्स को हमें एजुकेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही इसका रिजल्ट निकलेगा। राइट। सो जैसा कि सबने कहा है, उसमें एक पॉइंट ये ऐड करना चाहूँगा कि इसमें एक पॉलिटिकल विल होना भी बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ सीड कंपनीज का भी एक बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडिया आज भी BT की थर्ड जनरेशन पे है हम लोग सीड में, अब फोर्थ जनरेशन आने वाली है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, द वेस्टर्न वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन टू सेवन, दे आर ऑलरेडी ऑन सेवन जनरेशन एंड नाउ प्लानिंग टू मूव ऑन टू द 8th जनरेशन। सो वी आर ऑलरेडी 4 जनरेशंस बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ सीड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द होल इंडस्ट्री, द होल वैल्यू चेन इंक्लूडिंग जिनिंग, इंक्लूडिंग फार्मर्स, इंक्लूडिंग spinners and most importantly seed companies and government, we all work together to help farmers to, and we should provide our farmers with the best of the best technologies in the seeds, then only we'll be able to overcome this issue. True. Very true. ab sabhi logon ne jinhone uttar diye hain wo apne aap ke liye aur hum sab ke liye taaliyan bajaiye. Excellent. bahut sara पार्टिसिपेशन आपसे अपेक्षित था और मिल भी रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि एक इंटरैक्टिव सेशन बनना ज़रूरी है। हम यहाँ सिर्फ सुनने नहीं आए हैं, यहाँ से कुछ ले जाने आए हैं, ऐसा मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ। तो हाँ डॉक्टर माई दिया थी, इन्होंने काफ़ी अच्छे सजेशन दिए हैं। आप मुझे बताइए कि एक एकड़ दो एकड़ का फार्मर, व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी? आई गिव यू टेक्नोलॉजीज, इतनी फंटेस्टिक टेक्नोलॉजी है कि आपको प्रोडक्टिविटी में, यहाँ के फार्मर है, विदर्भ के 10 फार्मर देता हूँ कि जिनको 10 साल से 25 क्विंटल पर एकड़ निकाल रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग। सवाल यह है कि हमारे फार्मर्स के पास के इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी जीरो है। आप बोल रहे सरकार जो दूसरा वरी विसंबला त्याचा कार्यभार बुढ़ाला, सरकार कुछ करने वाली नहीं है, सरकार आती है सरकार जाती है, परमानेंट हम लोग हैं।
तो वो तो टेम्पररी है, 5 साल के लिए है सरकार। अरे हम तो कई सालों के लिए है ना फार्मिंग में जी। तो हमारा ये कहना है कि कुछ जो करना है वो हमें करना है, वी लव टू डू इट। सो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो गरीब है, जिसमें कम इन्वेस्टमेंट लगता है, वो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हाउ टू रीच हिम। हमारा यही कहना है कि आप जैसे कह रहे हैं कि वैल्यू चेन जो है, आप वैल्यू चेन करना है, सभी लोग इकट्ठा आएंगे। इन्होंने जैसे बताया कि वी शुड ऑल कम टुगेदर। कम टुगेदर बोले तो क्या करेंगे आप, व्हाट इज कम टुगेदर? तो मेरा ये कहना है कि आज हमारा जो प्राइमरी सोर्स है इज फार्मर्स। ये फार्मर्स के लिए आप एक एक, मैंने कहा ना आपके जो है ब्रोकर्स है, दो दो विलेज अडॉप्ट कर लीजिए कि पूरी टेक्नोलॉजी वहां दे दीजिए आप। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे प्रोडक्शन नहीं बढ़ता। आई हैव ऑलरेडी डन इट फॉर 3 ईयर्स इन विलेज आष्टा, इन माहूर के पास, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के दिखाया है उनको। तो हमारा ये कहना है कि अनलेस वी ऑल रियली कम टुगेदर, हेल्प देम कि भाई ये करना है, वी कैन बी, इट इज पॉसिबल। सरकार पे डिपेंडेंट रहना, वो पॉलिसी लाना है, वो उनके पॉलिसीज तो चलती रहेगी, उससे थोड़ी होने वाला है। राइट, तो दिस इज वेयर आई थिंक अवर मेजर इश्यूज आर देयर ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेस्ड एग्रीकल्चर इज द ओनली, जितना पैसा डालेंगे उतना निकलेगा, ये तो डेफिनेट है। जो बोएगा वही पाएगा, क्या बात है। तो ये बातें हैं, बहुत अच्छे इनपुट्स मिले हैं। और एक लास्ट इनपुट हम। नमस्कार, मेरा नाम पारसनाथ जायसवाल है, मैं NSL से हूँ, NSL कॉटन कॉरपोरेशन भी देखता हूँ। हम लोग हैं जो सीड से लेके जीनिंग, स्पिनिंग, फैब्रिक, डाइंग, गारमेंटिंग, यानी सीड टू एंड टू एंड में हम लोग काम करते हैं। हमारे आदरणीय प्रभाकर राव साहब के लीडरशिप में हम लोगों ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है कोलैबोरेटिव कॉटन फार्मिंग। इसमें हम सब स्टेक होल्डर को लेते हैं साथ में, हमारे फार्मर्स भाई का पहले आइडेंटिफिकेशन, उसमें उनको जो हाई डेंसिटी क्रॉप है और जो भी टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग जानकारी देते हैं, उनकी उपज बढ़ाने के लिए हम लोग उनको सहयोग करते हैं। हार्वेस्टिंग कैसे किया जाए, कॉटन का पिकिंग कैसा किया जाए, उसको हैंडलिंग कैसा किया जाए, उसको स्टोरेज कैसा किया जाए, उसको मार्केटिंग के लिए कैसा लिया जाए कि जाके एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो, फाइबर की क्वालिटी मेंटेन हो, ट्रैश परसेंटेज कम हो, और जो हम एक गांव एक वैरायटी की कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, हमारे पास में हमारे जीनो टाइप में वी आर द टॉप इन इंडिया इन द सीड प्रोडक्शन। तो हम लोगों के पास में ऐसे ऐसे जीनो टाइप है जो अभी सर बता रहे थे कि एरिया स्पेसिफिक हाइब्रिड्स होना चाहिए, जो हर जोन में, जैसे 3 जोन में अलग अलग हाइब्रिड्स होना चाहिए, वैसा जर्मप्लाज्म हम लोगों के पास में ऑलरेडी है और उस पर हम लोग 2014 से HDPS में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हमको। FDOs के माध्यम से हम लोगों ने फार्मर्स को खुद की बेल बनाना और उसको कैसे बेचना यहाँ तक के ट्रेनिंग दी है। और हमने आपको बोलूँ, मैं आकोट के एरिया में ड्रिप विथ मल्चिंग विथ हाई डेंसिटी प्लांटेशन में हमने एकड़ में 22 से 25 क्विंटल तक के यील्ड भी निकाल के दिए। और ये इतना जो मैसिव जो हम लोग एक्सटेंशन वर्क कर रहे हैं, ये लोग हम लोग केवल ये कंसेप्ट देने के लिए कि हम लोगों को एक यूनिफॉर्म क्वालिटी चाहिए। आज इंटरनेशनल ब्रांडिंग के हिसाब से हमने शुरुआत करी थी 2007 में ब्रांडिंग की, इंडिया में फर्स्ट थे हम लोग ब्रांडिंग के लिए, एनकॉट, सुपर कॉट और एक्सेल कॉट के नाम से हम लोगों ने खुद का ब्रांडिंग भी किया था। हम लोगों के पास में इंटरनेशनल लेवल की लैब भी है जिससे हम फाइबर के क्वालिटी पैरामीटर्स के लिए करते, जिसका साउथ मिल में काफ़ी नाम है, हमारे टेस्टिंग को भी लोग मान्यता देते हैं। मुद्दा यह है कि फार्मर को एजुकेट किया जाए। आज क्या हो रहा है, गाय का दूध, भैंस का दूध और बकरी का दूध तीनों मिला के बेच रहे हैं, वो कपास में नहीं होने को। वो अगर हम लोग कर दे, उसको ये कॉन्शियस दिला दे कि भैया तू भैंस का दूध निकालेगा तो भैंस के दूध के ही पैसे मिलना है तुझे, तो अगर क्वालिटी प्रोडक्शन करेगा तो तुझे क्वालिटी प्रोडक्शन के ही पैसे मिलना है। ये फार्मर को एजुकेट करना जरूरी है जिससे कि अपने जो जीनिंग के भाई है, जो स्पिनर्स है, इनको एक क्वालिटी मटेरियल मिलेगा। और एक तो पूरे इंडिया की जो आज अपनी जो प्रॉब्लम है, जो हम लोग इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अभी जो हम लोगों को कम रेट मिल रहे हैं, वो सब प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और जो प्रॉफिटेबिलिटी हर एक के लेवल में वो बढ़ेंगी। वो इनिशिएटिव हमारे प्रभाकर राव साहब के लीडरशिप में हमने CCF नाम से वो शुरू किया है और ऑलरेडी हम लोग 50,000 acres पे अभी काम कर रहे हैं इसके ऊपर। थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। कुछ हो रहा है वो भी शेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपको इन्वाइट करता हूँ। आपका शुभ नाम बताइए। जयसवाल जी,
पारसनाथ जायसवाल। जायसवाल जी, यहाँ पे अभी मंजीत, रिद्धि सिद्धि और वर्धमान वाले बैठे हैं, इनके साथ में मिलके 100-100 फार्मर का अगर हम कोई प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में करें, विदर्भ में, तो आप इसमें सपोर्ट करेंगे कि नहीं? 100-100 फार्मर्स, श्योर तीनों मिला के 100 ईच, श्योर कर सकते हैं, कोई दिक्कत, विदर्भ में करेंगे। तो आपने जो किया है वो सेम रेप्लीकेट हमें यहाँ करना है, तो इस मंच पे क्या हम ये अनाउंसमेंट कर सकते हैं? कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, राइट? फार्मर बेनिफिट्स में तो हम कर सकते हैं। मतलब इसलिए मैं नेक्स्ट आऊंगा कि इसमें टेक्निकल पार्टनर्स के हिसाब से अकोला यूनिवर्सिटी, CICR, डॉक्टर मई, इन सबको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, सबको लेके चलना। लेकिन जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? डुप्लीकेशन नहीं करना, सप्लीमेंट करना। आप जो कर चुके हैं, आपका जो 10 साल का अनुभव करने में है, वो आप हमें दीजिए। तो इन सबको साथ में लेकर हम इस वर्ष, आज से लेकर नेक्स्ट 2024 की दिवाली तक 300 एकड़, 100-100 एकड़, ये तीनों का मिला के हम एक प्रोजेक्ट आपके साथ करना चाहेंगे। कर सकते सर, कोई दिक्कत नहीं, राइट? थैंक यू। डॉक्टर माही साहब और ये लोग तो हमको हमेशा ही सपोर्ट करते रहते हैं इस विषय में। अभी जो गोविंद यूट्यूब, मायसेल्फ गोविंद वैराले, कोऑर्डिनेटर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये जो आप कॉटन जो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से 2015 से महाराष्ट्र में चल रहा है। अभी हमारे पास में करीबन इस साल में भी 13,000 फार्मर्स और 50,000 एकर्स में हमारा कॉटन कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। इसमें काफ़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, CICR है, सिरकॉट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। जो बात आपने अवेयरनेस के लिए किए हैं, उसमें हम कॉटन सोइंग से लेकर सिलेक्शन ऑफ द वेराइटीज, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, मार्केटिंग एंड वैल्यू एडिशन। इसके सिवा इस साल में हमने CICR के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, हाई डेंसिटी प्लांटेशन का भी करीबन, उन्होंने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन दिया उस पर, 1,000 एकड़ में प्रोडक्शन लिया है। और हमारा कॉटन कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट में हमारा जो 2015 से हम रिजल्ट करते हैं, हमारा जो किसानों का, हर किसानों का मोबाइल नंबर और फ्रॉम दी सोइंग से लेके अप टू द प्रोडक्शन तक के पूरा डाटा लेते हैं और उसका कंपैरिजन हम नॉन प्रोजेक्ट से करते हैं, तो करीबन 25-30% हमारा प्रोडक्शन हमने बढ़वाया है। ये हमारा कॉटन कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट जो है, हमारे सिटी के डायरेक्टर जनरल यहाँ पे डॉक्टर चंद्रिमा चटर्जी मैडम है जी। तो एक्चुअली ये 15 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। जो आप चाहते हैं कि अवेयरनेस, हम हर गांव में सर, आप जो बोल रहे हैं सब मान्य है, सब मान्य है, लेकिन अगर सब कुछ हो रहा है तो चार्ट नंबर 1 क्यों है? तो सबने ये सारी बहुत कुछ हो रहा है, प्लीज अभी सर आगे बढ़ेंगे इसमें, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, फिर अगर ऑर्गेनाइजर अगर बोले सभी बात करेंगे। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, मैं तो इंडस्ट्री से आके अब किसानों के साथ जुड़ा हूँ। एक ही मुद्दा है, अगर सब ठीक हो रहा है तो ये स्थिति क्यों है? अगर ये स्थिति है तो यहाँ से बेहतर क्या कर सकते जी? मुझे ये कहना है कि आप टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्नोलॉजी अपने पास, अच्छी टेक्नोलॉजी है, यूनिवर्सिटी के पास है, इरिगेटेड के लिए है, रेनफेड के लिए है, टेक्नोलॉजी के बारे में कोई सवाल नहीं है। लेकिन सवाल आता है मार्केट के बारे में। मार्केट में अभी MSP अपना 7,000 रुपीज़ है, वो जो इंडस्ट्री जो है, आप प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आप है, क्लॉथ इंडस्ट्री है, उसने फार्मर्स को बायबैक गारंटी दे दिया 10,000 रुपीज़ पर क्विंटल, दे शुड गिव द बायबैक गारंटी। दिस इज एग्जाम्पल इन 2015-16, द पिजन पीज रेट, कॉस्ट ऑफ पिजन पी वॉज वेरी लो एज कंपेयर टू मार्केट रेट, एंड एट दैट टाइम पिजन पी कॉस्ट इंक्रीजेस अप टू द 100 रुपीज़ पर kg। एंड वी हैव टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर द 50 रुपीज़ पर kg MSP, एंड दे आर परचेसिंग एट द टाइम बाय दिस MSP। एंड नेक्स्ट ईयर वी ऑब्जर्व दैट within one to two years our productivity is enhanced from the 400 kg to 1600 kg per acre hectare. It is a tremendous change.
It is example of the our PGNP. That's why the purchase of the purchasing price means MSP, it should be increased. Otherwise, industries should give the buyback guarantee to the farmers. And farmers producing organization and farmers groups are available in villages. Like Pani Foundation has did the good exercise in the soybean, and they harvested about soybean about 20 quintals per acre also. Yeah, I understand. And also in this cotton in irrigated area in our village, this Ahmednagar district, farmers harvesting about 15 quintals or 20 quintals per acre cotton in irrigated situation, but they required buyback guarantee. Instead of, if you give the buyback guarantee, sugarcane area can be transferred to the cotton. It is very important. And that's why this is one of the important things. Thank you, sir. बहुत ही वैलिड सजेशन है और यही बात है, मिलके एक हो सकता है 100%. और ये जो तीन पार्टनर जुड़े हुए हैं, इनके साथ हम मिलके बैठ के बात करेंगे. एमएसपी से ऊपर ये क्या बेटर दे सकते हैं? अगर मार्केट प्राइस ऑलरेडी एमएसपी से ऊपर है तो हम उसी पे बात करेंगे. सर अभी इसको प्रेजेंटेशन को कम्प्लीट अगर आप करने देंगे तो फिर जो भी स्पीकर इस पर आगे शेयर करना चाहे आप मोस्ट वेलकम, क्योंकि हम यहाँ मिलजुल कर कोई उपाय सुनने के लिए आए हैं. बट एज अ स्पीकर मुझे ऑलरेडी फर्स्ट नोटिस आ गई है, अब मेरा माइक बंद कर दे, उससे पहले मैं इसको कंप्लीट करना चाहूँगा. तो हम पहले सवाल पे थे कि करना क्या है, दूसरा सवाल है कौन करेगा, और तीसरा सवाल है कैसे करेंगे. तो कैसे करेंगे उस पर ये बातें ऑलरेडी हो गई है. एक ही स्थिति में मैं आपको लाना चाहता हूँ, चॉइस लेस. अगर आप अपने आप को इस स्थिति में लेके आते हैं अभी, चॉइस लेस, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है. एक सेनापति था, उसके पास 6,000 सैनिकों की संख्या थी. वो युद्ध करने जा रहा था, शिप से गया और उतरा जब शोर पे, तब उसको मालूम पड़ा कि दुश्मन के पास 6,00,000 लोगों की सेना. उसने सबसे पहले क्या किया, अपने एक क्लोज आदमी को बोला, जिस बोट में हम आए ना सब बोट को जला दो. उसने बोला, सर वापस कैसे जाएंगे? मैं आपको बोलता हूँ, बोट को जला दो. उस बोट को उन्होंने जला दिया. फिर उसने अपने सैनिकों को बुलाया, जिस बोट में आप आए थे वो बोट जल चुकी है, हम 6,000-8,000-10,000 लोग हैं और 6,00,000 लोगों से लड़ना है. अब या तो लड़ के मरना है या डूब के मरना है, आपके हाथ में चॉइस है कैसे मरना है. तो वो लड़े और वो जीते, ये इतिहास में एग्जाम्पल है. तो चॉइस लेस सिचुएशन हम लेके आएंगे, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है. या तो यहाँ से पतन है या तो यहाँ से समृद्धि है, बीच की कोई स्थिति है ही नहीं. तो हम सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे. माझी का एग्जांपल लीजिए, बिहार का, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. तो ऐसी स्थिति में अकोला वासियों को मैं लाना चाहता हूं और कॉटन इंडस्ट्री को लाना चाहता हूं. नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट टू डू. प्रोडक्टिविटी, उत्पन्न और उत्पादन बढ़ाए बिना ये नहीं होगा, गुणवत्ता बढ़ाए बिना ये नहीं होगा. ये तो करना ही पड़ेगा, और ब्रांडिंग भी यहाँ चल के करनी ही पड़ेगी. बिकॉज कपास, टेक्सटाइल वैल्यू एडेड गुड्स अगर एक्सपोर्ट होंगे, जो अपना 60% कंपोनेंट है वैल्यू एडेड गुड्स में, अगर वो निर्यात नहीं होता है, जो इस साल हमें चैलेंजेस मिल रही है, तो ये भाव की, लिक्विडिटी की, पैसे ना आने की, फुल कैपेसिटी पे मिले ना चलने की, ये स्थिति बनी ही रहेगी. और जिनिंग और ब्रोकिंग रिस्क में रहेंगे ही रहेंगे. तो पहली क्या करना है, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन और क्वालिटी, इसको अटैक करना है, किसी हालत में बढ़ाना है और अल्टीमेटली इसको ब्रांडिंग तक लेके जाना है. करेगा कौन? न सरकार न कोई और, ऑल ऑफ अस. यही बातें अभी तक निष्कर्ष में आई है. पॉलिसी वालों को साथ में लेके चलना है, उनके बिना हम ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन सिर्फ वो करे इस उम्मीद में नहीं करना है. तो टोटल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड द फार्मर्स, किसानों को भी इसमें साथ में लेना है, उनकी भी जवाबदारी इसमें बनती है. हाउ टू डू इट, कैसे करेंगे? सीड इज द नीड. हमारे सुरेश भाई कोटक, भीष्म पितामह जो हैं, वो हमेशा कहते हैं सीड इज द नीड. किसानों को जब हम बात करते हैं तो 1500 वैरायटी उनके पास सीड की चुनने के लिए है, उसमें से उनको कोई 1-2-5 चुननी है. कितना मुश्किल है. आपका लड़का है, लड़की है, मैं आपको 1500 फोटो दिखा दूं, कैसे चूज करेंगे? और उसमें सही गलत क्या है नहीं मालूम पड़ेगा. तो यहाँ किसानों को मदद करना है. बीज में हो जान तो कपास मेहरबान, बीज में हो जान तो कपास मेहरबान, कपास पहलवान तो खरीददार मेहरबान, और खरीददार मेहरबान तो किसान धनवान. किसान को दो पैसे सीड से भी मिल सकते हैं, अगर अच्छे सीड हम उनको ला के दें. फिर है वाटर मैनेजमेंट,
जैसे कल राजकुमार जी ने बताया, चंद्रशेखर जी ने बताया, 33% ऑफ कॉटन ग्रोइंग इन इरीगेटेड, 67% रेन फेड है, उसके लिए क्या कर सकते हैं कि इरीगेशन बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, एज एन इंडस्ट्री, एज ए कॉरपोरेट, एज ए जिनर, हम कुछ कर सकते हैं कि इरीगेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े इसमें, और जो रेन फेड है उनको उस तरह के सीड मिले जो रेन फेड में चलते हो, और उस तरह को उनको वेदर स्टेशन से हम डाल के दें जो रेन फेड वालों को सहायता करें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, डॉक्टर मई ने ऑलरेडी बात की, आप सब भी सहमत हैं, गोपाल जी ने भी बात की, संजीत भैया भी यही बोल रहे हैं, वर्धमान वालों का भी यही कहना है कि मिल के ये कर सकते हैं, तो क्या हम बेटर फंडिंग, बेटर फार्मिंग के लिए जो डॉक्टर मई और अकोला के वाइस चांसलर ने कहा, ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इनपुट मैनेजमेंट, जो हम खाद वगैरह के बीज की बात करते हैं वो क्वालिटी इंप्रूव हो, टेक्नोलॉजी ज़्यादा डीप जाए, इतना ईजी नहीं है, मोबाइल सीखते अपने को भी 2-3 साल लगे, बच्चे पहले 2 महीने में सीख जाते, लेकिन किसान को कितने साल लग सकते, कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया है, लेकिन अगर आप सबका सहयोग रहा तो ये और जल्द काम होगा, स्पीड से होगा, क्योंकि हकीकत में हमारे पास समय नहीं है, तो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में इम्प्रूव करेगा। रोल ऑफ फार्मर्स भी इम्पॉर्टेंट है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है, क्रॉप रोटेशन करते रहना, यही हम फार्मर्स को बताते हैं, एक ही कपास 5-10 साल तक नहीं डालते रहना है, और सोशल इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल बैलेंस आपको बना के रखना है, सॉइल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना सॉइल फैटिग हो चुका है, सॉइल बीटी आने के बाद सॉइल में कुछ भी हम नया नहीं डाल रहे हैं, एक लेडी है जिसके 10-12 बच्चे हो जाने के बाद उनकी हेल्थ कैसी रहेगी अगर हम उनको न्यूट्रिएंट नहीं देते हैं, तो सॉइल की हालत वैसी हो जा रही है, उसको कुछ करना है, टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द लाना है, पर इंडियन फार्मर जिनकी एवरेज आवक 9,000 रुपये प्रति माह से कम है, क्या वो अकेले ये कर पाएंगे? किसी हालत में नहीं कर पाएंगे, तो इंडिविजुअल फार्मर नहीं कर पाएंगे, तो सॉल्यूशन क्या है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी से किसानों की, कल भी मैंने बताया था, आज भी ये बातें हुई कि FPO ये फ्यूचर होने वाला है, आप लिख के रखिए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, अमूल मॉडल भारत में 1946 में बना था, किसानों की संस्था, 140 किसान थे, 40 लाख हैं, और उनका टर्नओवर आप देख सकते हैं अभी, अच्छे अच्छे MNCs को वो चैलेंज करते हैं, तो किसान को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपके साथ में वो खड़े रह के ग्रो करने की ताकत रखेंगे, इस तरह की एक संस्था हमने बनाई है, ऑल इंडिया कॉटन FPO एसोसिएशन, 1 लाख किसान जुड़े हुए हैं, एडवाइसरी में श्री सुरेश भाई कोटक, डॉक्टर सुधीर गोयल, डॉक्टर CD मई, डॉक्टर केशव क्रांति वॉशिंगटन से, जी चंद्रशेखर जी और गोविंद जी बराल, ये सब जुड़े हुए हैं, टेक्निकल में MOU CICR के साथ में हैं, और सिरकॉट के साथ में हम रेगुलर टच में हैं, राहुरी यूनिवर्सिटी के साथ सीड के लिए टच में हैं, ICIC वॉशिंगटन से भी MOU है, तो इस तरह की संस्थाएं अपने को आगे ले जा सकती है। अब मेरा 5 पॉइंट मंत्र लास्ट पॉइंट है कि हमने इंडिया के करना क्या है, एक 3 इडियट्स फिल्म आप सबने देखी है, किसी ने भी 3 इडियट पिक्चर देखी है क्या? उसमें प्रोफेसर आमिर खान को कोई सवाल पूछता है, आमिर खान उसका बहुत टेक्निकल जवाब देता है मजाक में, और उसका आंसर जिप रहता है, लेकिन आमिर खान ऐसी लैंग्वेज में जवाब करता है, तो अल्टीमेटली प्रोफेसर पूछता है कि कहना क्या चाहते हो? तो हम बहुत सारी बातें सुनते हैं जो साइंटिस्ट बोलते हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो इंडस्ट्री बोलती है, लेकिन हम जो फार्मर को उस लैंग्वेज में बात करते हैं तो फार्मर सिंपल पूछता है कहना क्या चाहते हो? तो आप भी यही पूछेंगे कि ये सब कर कैसे सकते हैं, सब बोल तो रहे हैं, तो 5 पॉइंट मंत्र इंडिया के बेस्ट फार्मर्स का एक पैनल हमने बनाया, 60 स्टेट में सब अवार्ड विनिंग फार्मर्स है, उन फार्मर के बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है उसका एक लिस्ट बनाया, उसमें से जो कॉमन बाहर आया है वो हमने डिस्कस किया CICR के साथ, सिरकॉट के साथ, कुछ और साइंटिस्ट के साथ, ICIC के साथ, और ऐसे 5 मंत्र उभर के आए हैं। अगर ये 5 चीज़ें होती हैं तो 100% करंट अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ कुछ भी नया ना करते हुए हम अपना उत्पन्न बढ़ा सकते हैं। तो मैं कुछ प्रैक्टिकल बात आपसे कर रहा हूँ, सॉइल की बात है, सॉइल में एनरिचमेंट होना चाहिए, ये क्लियर बात है, लेकिन जो गवर्नमेंट नैसर्गिक खेती को प्रमोट कर रही है, लाइव स्टॉक गाय भैंस रखने के लिए बहुत सारे लोन अनुदान दिए जा रहे हैं, उसका फ़ायदा हम अगर किसानों को दिलाते हैं तो नेचुरल खाद अपना बढ़ेगा, सॉइल बढ़ेगा, सॉइल में कार्बन बढ़ेगा, कार्बन हवा में जहर है लेकिन सॉइल में गोल्ड बन सकता है, तो कार्बन ट्रेडिंग एक बहुत उपयोगी बात है आपके लिए, जिनर के लिए, स्पिनर्स के लिए हो सकती है आगे चल के, तो ये सबका फायदा होगा। सोइंग एंड स्पेसिंग, सोइंग भारत में नॉर्मली ईस्ट टू वेस्ट होता है, जो उत्तर दक्षिण होना चाहिए, नॉर्थ टू साउथ का एक साइंस है,
और नॉर्थ टू साउथ सोइंग होगा तो 100% यील्ड बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। स्पेसिंग के बारे में ऑलरेडी हाई डेंसिटी के बारे में बात हो चुकी है, इसमें और फास्ट रिसर्च होना चाहिए और अमरूद पैटर्न जो है महाराष्ट्र में अच्छा चल रहा है, इरीगेशन जो मैंने बोला होना चाहिए, कैनोपी मैनेजमेंट है ये होना चाहिए, प्लांट को डीप और डॉप एक हाइट के ऊपर बढ़ने नहीं देना चाहिए, बॉल का वेट बढ़ता है नंबर ऑफ बॉल्स बढ़ते हैं एंड टेक्नोलॉजी जल्द से जल्द आनी चाहिए। ये इसके कुछ फोटोग्राफ्स है जो आप देखेंगे, एक्चुअल प्रोजेक्ट के फोटोग्राफ्स हैं जो हमने लिए कंटेमिनेशन फ्री कॉटन को प्रमोट करने के लिए। और रॉ मटेरियल सिक्योरिटी जो अभी का कंक्लूजन है वो है कि रॉ मटेरियल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। FPO एक आगे बहुत चलने वाला मॉडल है और लेवल प्लेइंग फील्ड अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में और पब्लिक पार्टनरशिप प्राइवेट पार्टनरशिप में देते हैं तो इसका सॉल्यूशन 100% हमें मिल सकता है। किसान बसेगा तो देश बसेगा, नहीं किसान हंसेगा तो देश बसेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। तो थैंक यू ऑल एंड थैंक्स फॉर गिविंग अप पेशेंट लिसनिंग एंड थैंक यू ऑर्गेनाइजर्स, थैंक यू पीपल ऑन स्टेज फॉर कोऑपरेटिंग एंड पार्टिसिपेटिंग।